जय माता दी। दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का हमारे चैनल अभिलेक्स व्लॉग्स पर। आज हम लोग जाने वाले हैं मुंबई के तीन प्रसिद्ध मंदिर, जिसमें से पहला है वो मंदिर जिस माता के नाम के ऊपर ही मुंबई का नाम रखा गया है, श्री मुंबा देवी जी का मंदिर। दूसरा है श्री महालक्ष्मी जी का मंदिर और तीसरा है श्री सिद्ध विनायक जी का मंदिर। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखें। आइए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों मुंबा देवी मंदिर के लिए हम लोग उतरे मरीन लाइन्स। जैसे ही हम लोग स्टेशन से बाहर आए तो गर्मी बहुत थी, हम लोगों ने पहले थोड़ा नींबू पानी पिया। मरीन लाइन से मुंबा देवी मंदिर नजदीक है, आप लोगों को बस या टैक्सी स्टेशन के बाहर से ही आराम से मिल जाएगी। हमें यहां से बस मिल गई और स्टेशन से मंदिर तक हम लोगों के मात्र 25 रुपए लगे। लास्ट स्टॉप पे, तो अभी यहाँ से पूछेंगे कि मुंबा देवी कहाँ जाना है। उसने बताया था कंडक्टर ने कि पास में ही है, अभी पूछते हैं और निकलते हैं मुंबा देवी की तरफ। जय माता दी। जय माता दी। शुरू का रास्ता थोड़ा खराब था, वहाँ सड़क का काम चल रहा था, पर आगे जो मार्केट है वो बहुत ही बड़ी मार्केट है। जूते, इलेक्ट्रॉनिक्स, कपड़े और खाने पीने की बहुत दुकानें हैं, पर सबसे ज्यादा वहाँ पर ज्वेलर्स की दुकानें हैं। फाइनली पहुंच चुके हैं मुंबा देवी मंदिर, तो अभी हमने ले लिया है प्रसाद वगैरह, ये देखिए। अभी जाते हैं अंदर, माथा टेकते हैं और दिखा, पता नहीं अंदर भी वीडियो अलाउड होगा नहीं होगा, तो इसलिए मैं यहीं पे बना रहा हूँ। अंदर अलाउड होगा तो बनाऊंगा, नहीं तो आगे का दिखाएंगे फिर बाहर आके क्या सीन है, ठीक है ना। अभी हमने बस मंदिर के दर्शन करे और बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, एकदम अलग ही आनंद आया मंदिर के अंदर। बहुत ही मज़ा आया गाइस, बहुत ही मन को शांति मिली, बहुत ही मज़ा आया। जब भी मुंबई आओ आप मुंबा देवी मंदिर के दर्शन ज़रूर करो। मुंबा देवी के हमने दर्शन कर लिए हैं यहाँ पर मंदिर के, और अब हम जाने वाले हैं महालक्ष्मी मंदिर। यहाँ पर तो बहुत ज़्यादा एकदम अच्छी वाइब है, मतलब एकदम दिल को ठंडक मिली, एकदम बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अब हम जाके देखेंगे महालक्ष्मी मंदिर में वहाँ पर कैसा रहता है, क्या होता है, वहाँ पर भी माथा टेकना है हमें, तो चलिए अब वहाँ पर चलते हैं। दोस्तों हमने मुंबा देवी मंदिर से महालक्ष्मी मंदिर तक का सफर टैक्सी में किया और प्राइवेट टैक्सी में हमारे मात्र 300 रुपए लगे। टैक्सी में मुंबा देवी से महालक्ष्मी मंदिर का सफर बहुत ही बढ़िया है, आइए आपको सफर की कुछ झलकियां दिखाते हैं। पर आप लोग लोकल ट्रेन से जल्दी मुंबा देवी मंदिर से महालक्ष्मी मंदिर पहुंच सकते हैं। आप लोग मरीन लाइन से महालक्ष्मी स्टेशन तक लोकल ट्रेन में जा सकते हैं और फिर आगे ऑटो या टैक्सी कर सकते हैं।
तो गाइस अभी हम पहुंच चुके हैं फाइनली महालक्ष्मी मंदिर। अभी अंदर जाएंगे महालक्ष्मी मंदिर। बहुत ही गर्दी हो गई थी, बहुत जाम हो गया था रास्ते के अंदर, तो हम चलते हैं अंदर। महालक्ष्मी जी के भी हमने कर लिए दर्शन, माथा टेक लिया है मंदिर का, और अब हम जाने वाले हैं सिद्धि विनायक मंदिर जो कि है दादर में, तो वहाँ चलते हैं। अभी वहाँ भी जाके माथा टेकेंगे। वो कहाँ है अपने, वो रहे लेडीज लोग को देखो। दोस्तों महालक्ष्मी मंदिर के अंदर वीडियो बनाने की अनुमति नहीं थी, तो इस वजह से हम अंदर की वीडियो नहीं दिखा सके, उसके लिए खेद है। तो गाइस अभी हमने कर लिया टैक्सी बुक, दो टैक्सी करनी पड़ी क्योंकि हमारे पास बंदे ज्यादा हैं, टैक्सी कम है, तो अभी जा रहे हैं सिद्धि विनायक मंदिर। यहाँ से लगा 150 रुपया एक टैक्सी का, तो चलो सिद्धि विनायक जाके मिलते हैं आपको। ये हमारे अन्ना, ये हमें लेके जा रहे हैं सिद्धि विनायक। मैं तो बोलता हूँ मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया टाइम है, आराम से घर चलेंगे, क्या दिक्कत है। तो गाइस अभी हमने सिद्धि विनायक के भी दर्शन कर लिए, बहुत ही मजा आया। आरती के टाइम पे पहुंचे थे, अभी अंदर से आ रहे हैं ये देखिए। तो अभी जो सोच के निकले थे कि तीन मंदिर जाएंगे, मुंबई देवी मंदिर, महालक्ष्मी मंदिर, सिद्धि विनायक मंदिर, और तीनों हो गए हैं, तो अभी बहुत ज़्यादा थक गया, रात भी हो गई है, तो अभी घर को निकलेंगे। तो आप बने रहिए, चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। दोस्तों वीडियो कैसा लगा कमेंट्स में जरूर बताना। ऐसी और वीडियोस व्लॉग्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को लाइक कमेंट और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।